डॉक्टर बिजल कापड़िया, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ दमन मेडिकल एसोसिएशन। मेरे साथ प्रेसिडेंट पद्मश्री डॉक्टर एसएस वैश्य सर एंड हमारे सेक्रेटरी दमन मेडिकल एसोसिएशन के डॉक्टर कृष्णा। मैं आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने सभी लोकल मेडिकल एसोसिएशन के साथ मिलकर एक प्रोटेस्ट डे ऑब्जर्व किया था 18 जून शुक्रवार 2021 को। आज एक प्रोटेस्ट डे ऑब्जर्व किया गया। ये प्रोटेस्ट डे मेनली डॉक्टर्स और बाकी जो हेल्थ केयर वर्कर्स हैं उनके ऊपर जो भी वायलेंट अटैक्स वगैरह, फिजिकल अटैक्स, प्रॉपर्टी अटैक्स वगैरह जो हो रहा है उसके विरोध में ये प्रोटेस्ट डे रखा गया। क्योंकि ये कोविड का समय चल रहा है इसलिए मरीजों की हेल्थ को प्रायोरिटी देते हुए सभी हॉस्पिटल, सभी डॉक्टर, सभी क्लिनिक्स ने अपना काम चालू रखा। कोई भी मेडिकल वर्क को बंद नहीं किया गया, लेकिन मात्र एक प्रोटेस्ट के तौर पे हमने, चाहे कोई ब्लैक बेल्ट पहना हो या ब्लैक रिबन बांधा हो, हमने इसका प्रोटेस्ट किया। आज हमने कलेक्टर श्री एंड एमपी श्री को भी एक आवेदन पत्र दिया है, जिनके थ्रू ये आवेदन पत्र हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को भेजा जाएगा। ये काफी समय से इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की मांग रही है कि जो डॉक्टर्स और हेल्थ केयर वर्कर्स के ऊपर जो वायलेंट अटैक्स हो रहे हैं उनके ऊपर कोई स्ट्रिक्ट लॉ लाया जाए। अनफॉर्चुनेटली अभी तक उसके ऊपर कोई ठोस कदम उठाया नहीं गया है, इसलिए आज हमने एक प्रोटेस्ट डे मनाते हुए प्रधानमंत्री जी को खास रिक्वेस्ट किया है एक राइटिंग में लेटर देकर कि इस पे जल्द से जल्द कोई ऐसा लीगल एक्शन तय किया जाए जिससे डॉक्टर्स या किसी भी हेल्थ केयर वर्कर्स पे कोई भी अटैक हो, फिजिकल अटैक हो या प्रॉपर्टी अटैक हो, तो उनके ऊपर स्ट्रिक्ट लीगल एक्शन लिया जाए। इस बार सेकंड वेव ने फर्स्ट वेव से भी ज्यादा कंटेजियस डिसीज थे और ज्यादा लाइफ थ्रेटनिंग डिसीज की वजह से काफी लोगों की मृत्यु भी हुई। इसमें करीब करीब 1400 डॉक्टर्सों ने भी अपनी जान गंवाई। जैसे हम सब जानते हैं, ये इस बार डॉक्टर्स नहीं लेकिन उनके फैमिली मेंबर्स भी कोविड की वजह से संक्रमित हुए, क्योंकि ये काफी कंटेजियस था इस बार। इस बात को ध्यान में देखते हुए जो डॉक्टर्स ने अपनी कोविड में पिछले 1.5 ईयर से सेवा दी है, जिन्होंने ना खुद की बट अपने फैमिली मेंबर्स की भी जान को खतरे में डाला है और अपनी जान गंवाई है लोगों की सेवा करते हुए, तो हम प्रधानमंत्री जी को विनती करेंगे कि ऐसे डॉक्टर जिन्होंने अपनी जान गंवाई उनको एक शहीद का दर्जा दिया जाए। उनके लिए कोई एक इंश्योरेंस पॉलिसी भी सेपरेटली गवर्नमेंट तय करे। इस वक्त पूरे विश्व में ये बात अभी कंफर्म हो गई है कि कोविड से बचने के लिए सबसे अच्छा तरीका वैक्सीनेशन रहेगा। हम आपके माध्यम से गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट करेंगे कि 18 साल के ऊपर सभी लोगों को फ्री में वैक्सीन देके जल्द से जल्द वैक्सीनेशन प्रोसेस को कंप्लीट किया जाए, सो दैट कोविड से जल्द हम छुटकारा पा सके। जो भी वैक्सीन के अगेंस्ट, चाहे वो अपनी अज्ञानता से हो या अपने स्वार्थ के कारण हो, जो भी वैक्सीन के अगेंस्ट अगर कोई कदम उठाता है या कोई कमेंट करता है, तो उनके अगेंस्ट भी एक स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए। लास्ट पॉइंट हमने प्रधानमंत्री जी को कहा है कि अभी काफी सारे पेशेंट्स में हम कोविड के बाद पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशंस देख रहे हैं, जिसमें मेनली लंग फाइब्रोसिस, थ्रोम्बोएम्बोलिक कॉम्प्लिकेशंस एंड फंगल इन्फेक्शन जैसे कि मुकरमाइकोसिस, जो लाइफ थ्रेटनिंग कॉम्प्लिकेशंस है, तो इनके ऊपर जल्द से जल्द एक अच्छा रिसर्च शुरू किया जाए, सो दैट जितने भी पोस्ट कोविड पेशेंट्स हैं उनको ये कॉम्प्लिकेशन से हम बचा सके। मैं डॉक्टर वैश्य सर, जो हमारे दमन मेडिकल एसोसिएशन के प्रेसिडेंट है, उनको विनती करूंगा कि अपनी तरफ से दो शब्द कहें। मैं डॉक्टर एसएस वैश्य, प्रेसिडेंट दमन मेडिकल एसोसिएशन, पूर्व प्रेसिडेंट इंडियन मेडिकल एसोसिएशन IMA गुजरात GSB। जैसे डॉक्टर बिजल कापड़िया साहब ने बताया कि हम आज पूरे भारत में एक प्रोटेस्ट डे मना रहे हैं। ये क्यों मना रहे हैं? क्योंकि
हमारे हेल्थ वर्कर्स और डॉक्टर्स पे वायलेंट अटैक होता है। आप पेपर में पढ़ते होंगे कि हर रोज कहीं न कहीं इंडिया में ऐसा हादसा होता है। इसके लिए ठोस कदम उठाने के लिए सेंट्रल लॉ बनाने के लिए हमने प्रधानमंत्री जी को रिक्वेस्ट की है कि एक सेंट्रल लॉ बनाया जाए जिससे इमीडिएट फास्ट ट्रैक पे इसका निपटारा हो और ये नहीं हो, और एक सेंट्रल सिक्योरिटी सर्विस भी हॉस्पिटलों में शुरू की जाए जो सरकार उसको देखभाल करे। जैसे आप लोगों को पता है कि अभी कोविड का एरा चल रहा है, सेकंड वेव का, हमने निर्णय लिया है कि हम कोई भी सर्विसेज बंद नहीं करेंगे क्योंकि कोविड का एरा है, पेशेंट को इमरजेंसी में देखना है, इसलिए सभी हॉस्पिटल क्लिनिक सब चालू हैं। सिर्फ हमने ब्लैक रिबिन के ब्लैक क्लोथ पहन के ये प्रोटेस्ट किया है और ये सिंबॉलिक प्रोटेस्ट है जिससे हम कहना चाहते हैं कि हमारे लिए ये सेंट्रल लॉ जल्दी से जल्दी बनाई जाए। मैं बताना चाहूंगा कि ये सेकंड वेव के एरा में 730 डॉक्टरों की जान गई है, इनकी फैमिली बिछड़ गई है, उनको सहाय की भी जरूरत है, और हेल्थ वर्कर के भी मृत्यु हुए हैं जिससे उनको भी बहुत बड़ा फैमिली को नुकसान हुआ है। इसमें इन लोगों को भी कुछ सहायता दे ऐसी मैं रिक्वेस्ट करता हूं और जनता को अनुरोध करता हूं कि ज्यादा से ज्यादा वैक्सीनेशन हम करवाएं, वो उसी से ही बचेंगे हम, नहीं तो थर्ड वेव के लिए हमको तैयार रहना है और जो बहुत खतरनाक थर्ड वेव आएगी। इसलिए रिक्वेस्ट करता हूं कि वैक्सीनेशन से कोई नुकसान नहीं है, कोई आड़ असर नहीं होती है और 100% वैक्सीनेशन करवाए। दमन छोटा शहर है, उसको हम जल्दी से जल्दी 100% वैक्सीनेशन करवा के छुटकारा पाए। धन्यवाद।